मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ के SSP ने यहाँ पर एक बैनर बनाया है, उसमें यातायात में नियम में ये दिखाया है करवा चौथ पे आज पत्नियाँ अपने पतियों से ये वचन लें कि हेलमेट जरूर पहने। तो ये बहुत अच्छी प्रशंसा और बहुत अच्छा उन्होंने सोच रखी है। बाद में हम लोगों को महिलाओं को व्रत के जरिए तो रख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने पतियों को जब भी घर से बाहर निकलें तो हेलमेट पहनने की ही राय दें, क्योंकि हेलमेट अपने आप में सुरक्षा का इतना, यातायात आज की डेट में भागा भाग ज़िंदगी है, उसमें यातायात के द्वारा जैसे जाते हैं और पता नहीं पति कब लौट के आए, इस तरह की रहती है हम लोगों को। तो इस चीज़ को हेलमेट होगा तो सुरक्षा, क्योंकि सिर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मैं यही कहूँगी अपने पति से, जब भी आप घर से बाहर निकले तो हेलमेट पहन के जरूर निकले। करवा चौथ के व्रत पर जब सबसे पहला डिमांड यही है, जेवर सोना जब पति है तो सारे सब कुछ है, तो इसलिए बहुत अच्छी इटावा पुलिस के ये सभी पूरे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आज औरतें बाहर निकल के सबसे अच्छा यही कहे अपने पतियों से मांगे, जेवर धंदौलत तो चलती रहेगी, पति है तो सारे जेवर है, बल उनकी सुरक्षा और पूरे परिवार की सुरक्षा वो उनके लिए कितने मायने रखती है ये बताने का करें सारी महिलाओं से। ये देखिए, हम लोग अपने रूटीन में देखते हैं कि तमाम नवयुवक, तमाम व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष असामयिक मौत हो जाती है उनकी, और बड़ा ही दर्दनाक हादसा होता है जब एक बाप अपने बेटे को ले जाता है दाह संस्कार करने, या एक पत्नी आती है अपनी पति किस तरह की मौत देखती है, वो विधवा हो जाती है और पूरा जीवन उसके सामने पड़ा रहता है। तो एक हम लोगों ने एक मार्मिक अपील की है, क्योंकि करवा चौथ नज़दीक है, इसमें पति के दीर्घायु की कामना की जाती है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यही था कि आप दीर्घायु कामना तो करें लेकिन उनसे कुछ वचन भी लें, और वचन के तहत उनसे कहें कि आप हेलमेट ज़रूर पहनिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदिए, आप उस दिन आप उनसे सोने चांदी या अन्य कीमती वस्तुओं की मांग ना करें, यदि इनके पास नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगभग 1000-1200 रुपये मिल जाता है, वो उनसे गिफ्ट के रूप में मांगें और रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको वही हेलमेट दे दें, और ये आश्वासन लें उनसे कि जब भी ये निकलेंगे तो हेलमेट पहन के ही निकलेंगे। यह एक अपील की गई है ताकि थोड़ा सा इनकी संवेदनाओं को जगाया जा सके और उसी बहाने कुछ जो इस तरह से मौतें हो रही हैं उनको रोका जा सके, उसी के दिशा में उठाए गए कदम। सर, इटावा जिले की पहल है या पूरे प्रदेश की पहल? ये जनपद की ही पहल है, हमने इसको जनपद स्तर पर ही एक सोच रखी है, और इसमें अभी तक 200 पोस्टर्स सिटी में लग गए हैं, पूरे ज़िले में 1000 पोस्टर्स और बनाए जा रहे हैं और अपील की जाएगी, और जिस दिन ये करवा चौथ है उस दिन हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी कुछ अभिनय करेंगे, और उसमें 26 और 27 को भी इसका अभिनय भी किया जाएगा चौराहों पे, ताकि लोगों से एक मार्मिक अपील की जा सके।